नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच सर कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे पास आए। आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं सर। अब आपको भविष्य में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर। सर ये लीजिए आपका लोन इन्फॉर्मेशन किट। ओके सर, ये लोन इन्फॉर्मेशन किट क्या है? लोन इन्फॉर्मेशन किट में लोन संबंधित सारी जानकारी दी हुई है, जैसे नंबर एक लोन अमाउंट की राशि जो कि 30,000 रुपए है, नंबर दो लोन लेने में लगने वाली कुल प्रोसेसिंग फीस 1416 रुपए और इंश्योरेंस अमाउंट कुल 528 रुपए है जो कि आपके लोन अमाउंट से काट ली गई है, नंबर तीन लोन की अवधि जो कि 12 माह है, नंबर चार EMI यानी कि 3,000 रुपए जो कि हर महीने की 2 तारीख को नेश के माध्यम से क्लाइंट के अकाउंट से काट ली जाती है, नंबर पांच यदि कोई क्लाइंट फिक्स्ड तारीख यानी कि हर महीने की 2 तारीख को पेमेंट नहीं करता है तो उसे लेट पेमेंट फीस यानी कि 500 रुपए पेनल्टी अमाउंट के साथ किस्त की राशि चुकानी होती है, नंबर छह यदि डिसबर्समेंट महीने की 10 तारीख के बाद है तो डिसबर्समेंट अमाउंट डिसबर्समेंट की तारीख पर निर्भर करता है। ओके, ठीक है सर। सर मेरा एक प्रश्न है, क्या कोई तरीका है जिससे मैं घर बैठे लोन संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकूं? कंपनी ने सभी क्लाइंट के लिए एक कैपिटल कनेक्ट ऐप बनाया है जिसे गूगल प्ले स्टोर से क्लाइंट डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप अपने मोबाइल नंबर को लॉगिन आईडी तथा OTP को पासवर्ड के रूप में उपयोग कर अपने लोन संबंधित जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन किस्त भी कैपिटल कनेक्ट ऐप की मदद से जमा करा सकते हैं और कैशबैक जैसी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। भविष्य में लोन की जरूरत पड़ने पर रिन्यूअल लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। माइंड ब्लोइंग सर, बहुत शानदार है ये आपकी कंपनी का ऐप। सर एक बात बताए, यदि मैं अपनी किस्त समय पर नहीं जमा करवा पाता हूँ तो मुझे क्या नुकसान होगा? यदि आप अपनी किस्त समय पर नहीं चुकाते हैं तो आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा, जिसकी वजह से भविष्य में कोई भी कंपनी या बैंक आपको लोन नहीं देगी, इसलिए समय पर आप अपना लोन चुकाए। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम हमारे सभी अच्छे कस्टमर का हमेशा ध्यान रखते हैं, तो अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि लोन इन्फॉर्मेशन किट में दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद सर।